ये अपना बड़े वाला ट्रैक्टर, और ये काफी ज्यादा बड़ा है, मतलब थोड़ा बहुत भी नहीं, उस ट्रक से तो काफी ज्यादा बड़ा है, और बाकी ये और ट्रैक्टर से भी काफी ज्यादा ही बड़ा है। वेलकम है फार्मिंग सिमुलेटर की एक और नई वीडियो में, और पिछली वीडियो में इस गाड़ी के लिए इतनी सारी कमेंट आई थी ये रेड वाली कार यूज़ करो, और मुझे भी पर्सनली वाली गाड़ी काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है। और अभी इस गाड़ी को मैं एक बार खेत में लेके गया था, सामने वाला खेत जो है वो मैंने परचेज़ कर लिया है, तो यहाँ पर इसके थोड़े टायर्स गंदे हो गए थे, इनको मैं साफ़ कर रहा हूँ, और वैसे तो अब साफ़ हो चुके हैं, इस साइड से भी देख लेते हैं, इस साइड से भी साफ़ कर दिए हैं। हाँ तो ठीक है, ये नई गाड़ी है इसलिए इसको क्लीन रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी इस गाड़ी को यहीं पर छोड़ते हैं, ये बाद में यूज़ करेंगे। और अभी मैंने जो सामने वाला खेत था वो परचेज़ कर लिया है, तो उस वाले खेत में मेरे को भी कल्टीवेटर लगाना है, तो उस वाले खेत में कल्टीवेटर लगाने के लिए ट्रैक्टर चाहिए होगा, तो ये बड़े वाला ट्रैक्टर लेके चलते हैं, इसमें पीछे कोई अटैचमेंट तो नहीं लगा रखी, और बाकी कल्टीवेटर उस खेत के पास ही रखा हुआ है, तो ये रहा कल्टीवेटर के पास, कल्टीवेटर को अटैच कर लेते हैं। और इस वाले खेत में कुछ भी नहीं लगा हुआ है अभी, खाली ऐसे घास फूस उगी हुई है, तो ये सारी की सारी हटानी पड़ेगी, तो एक बार कल्टीवेटर से साफ करते हैं, उसके बाद यहाँ पे शायद वीट लगा लेंगे या बाड़े लगा लेंगे। और यहाँ पे भी कल्टीवेटर भी सही से नहीं लग रहा है, तो मुझे यहाँ पे भी एक बार स्प्रे करना ही पड़ेगा, तो अपनी स्प्रे वाली मशीन लेके आनी पड़ेगी, स्प्रे वाली मशीन वहाँ पे अंदर पार्किंग में खड़ी हुई है। और बाकी हिरन यहाँ पे अभी भी घूम रहे हैं, अपना डोगी ये हिरन के पास घूमता रहता है, और ये हिरन कहाँ पे काफ़ी सारे आने लगे हैं, कुछ इधर भी हैं कुछ सामने भी घूमते हुए मिलेंगे अभी। और बाकी मैंने अपना जो है चिकन कूप यहाँ पे मूव कर दिया है वहाँ से, और बाकी मैं इसके साथ में सोच रहा हूँ कि यहाँ पे हॉर्स बार्न भी बना लेते हैं, क्योंकि अभी शीप भी अपने पास है, पिग भी है, काउस भी हैं, और बस हॉर्स रहते हैं, तो हॉर्स और एक हनी बी का मैंने वहाँ से हटा दिया था, तो हनी बी का भी यहीं कहीं पर लगा देंगे, चिकन तो यहाँ पर आ चुके हैं, तो यहाँ साथ में हॉर्स बार्न भी लगा लेते हैं, और कुछ हॉर्स भी परचेज़ कर लेते हैं, तो हॉर्स बार्न काफ़ी सस्ता आता है, इतना महंगा भी नहीं है, तो हॉर्स बार्न को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, तो ये अपना हॉर्स बार्न यहाँ पे लग गया। और बाकी हनी बी का रहता है, हनी बी का मैंने वहाँ से हटा दिया था, हनी बी का या तो यहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर हनी बी का यहाँ पे भी लगा सकते हैं, पीछे खाली जगह, तो बाकी मुझे यहाँ से देखना पड़ेगा कि यहाँ से जगह हो ताकि ट्रैक्टर यहाँ से जा सके और हनी बी के जो पैलेट्स हैं उनको उठा सके। वैसे यहाँ पर जगह तो काफ़ी सारी है, यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ पर ठीक है, यहाँ वॉल के पास एक तो यहाँ प्लेस कर देते हैं, तो ये पांच प्लेस कर दिए, और इनका कलेक्शन की जो लोकेशन है वो यहाँ प्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पे सारे मिल जाएंगे, यहाँ सामने लगा देता हूँ, ये शायद मैंने वहाँ पे लगा रखा है, वहाँ से भी हटाया नहीं है, तो एक बार वहाँ से मुझे जाके हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक फार्म पे एक ही अलाउड है जो हनी का कलेक्शन पॉइंट होता है, तो एक बार वहाँ से चल के हटाता हूँ। हाँ ये यहाँ पर लगा हुआ है, इसको हटाना पड़ेगा, चलो ये तो हो गया, अब वहाँ पर लगा देते हैं, तो इसको मैं यहाँ पे सेंटर में कहीं लगा देता हूँ, तो यहाँ पे ठीक रहेगा, यहाँ से ट्रैक्टर इजीली जो है इसको उठा भी पाएगा। ये हो गया, बाकी अभी एक बार हॉर्स परचेस करने पड़ेंगे, क्योंकि पिछले बार जो सारे हॉर्स थे तो मैंने सेल कर दिए, और दो ही हॉर्स थे पिछली बार मेरे पास, तो अभी यहाँ हॉर्स प्रॉपर परचेस कर लेते हैं, और क्योंकि अब तो हॉर्स के प्रॉपर रुकने के लिए अंदर जगह आ गई, और एक बार इसको देखते हैं अंदर से, अंदर से तो खुला ही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ से पूरा ओपन है, यहाँ पर इनके खाने के लिए है शायद पानी का है तो, और खाने का इधर कहीं होगा, ये साइड कुछ है पता नहीं क्या है रखने के लिए, देखना पड़ेगा, कंट्रोल रूम है वैसे शायद है, क्योंकि यहाँ पे एक कंट्रोल का लगा हुआ है, तो अभी एक बार परचेज़ करते हैं हॉर्स, पहले मैं इसको बंद कर दूँ, तो अभी एक तो यही वाला हॉर्स परचेज़ कर लेते हैं, और सारी तरह के एक हॉर्स परचेज़ मैं कर लेता हूँ, एक तो ये वाला ले लिया, तो ये वाला परचेज़ कर लेता हूँ, क्योंकि सब सेम प्राइस के हैं और सब 500 यूरो के हैं, सारे एक एक कर लेते हैं, तो वही हो जाएंगे यहाँ पे 5, 6, 7, 8 हो जाएंगे, तो 8 परचेज़ कर लेते हैं, और इन सब के पहले से ही नाम दिए हुए हैं, तो इस वाले हॉर्स का नाम है एडविन, मैक्स, हाउस्टन, विल, लक्की, लेडी, यूटोपिया और वेगा, तो ये सब इनके नाम है, तो एक बार देख भी लेते हैं इन्हें, और इसको खोल के अंदर से ही देखता हूँ एक बार ना, पास से जाके इनको पहले गेट लगाऊं, कहीं ये भागना शुरू कर दे, हाँ एक तो भागने के लिए आने वाला था ये, और ये हॉर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, ये तो काफ़ी बड़ा भी है, और ये हाँ ये भी ठीक है, और ये थोड़ा सा इसकी हालत मेरे को ऐसी लग रही है, थोड़ी क्लीनिंग चाहिए इसको, थोड़ा साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, और इधर ये वाला भी ठीक है, एक बार इसको राइड भी करके देख ही लेते हैं, तो ये अभी इतना तेज नहीं दौड़ रहा है, शायद ये अभी काफ़ी ज़्यादा यंग है, तो ये अभी नॉर्मल ही चल पा रहा है ऐसे, और बाकी दूसरे वाले को ट्राई करते हैं, इस वाले को देखते हैं, हाँ ये सही है, ये जंप भी काफ़ी सही कर रहे हैं, तो इसका कलर भी काफ़ी अच्छा है, बाकी इन सारे हॉर्स को रोज़ राइड कराना पड़ेगा, रोज़ इनकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी, तब जाके ये सही से मैच्योर होंगे, अभी तो उसको अंदर छोड़ते हैं, और बाकी दूसरे हॉर्स को भी राइड करना पड़ेगा रोज़, अब तो ठीक है, बाकी ये वाला काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एक बार इसको भी ट्राई कर लेते हैं,
इसकी स्पीड इतनी तेज नहीं है, इसको भी थोड़ा ट्रेन करना पड़ेगा। तो इन हॉर्स को भी रोज राइड करना पड़ेगा और बाकी अपनी वाली मशीन लेके चलते हैं जो स्प्रेडर है, उस वाले खेत में जो खेत नया परचेज कर रहा है उसमें थोड़ी हर्बिसाइड स्प्रेड करनी पड़ेगी, तब जाके वो खेत रेडी होगा, तब उसमें जो है कल्टीवेटर लगाएंगे और कल्टीवेटर लगाने के बाद फिर उसमें वीट लगा देंगे। तो इस साइड से लगाना शुरू करते हैं यहाँ से। तो इस मशीन के बीच अपना ट्रैक्टर आ रहा है, इसको हटाना पड़ेगा, एक बार थोड़ा साइड में पार्क करते हैं इसको। तो इसको स्प्रेड करने देते हैं और बाकी एक बार जो है अपने ग्रीन हाउसेस को देख लिया। और ग्रीन हाउस में इस टाइम सिर्फ मैं स्ट्रॉबेरी जो है ग्रो कर रहा हूँ और स्ट्रॉबेरी को ही मैंने स्टोरिंग मोड पे यूज़ किया हुआ है, उसको मैं सेल नहीं कर रहा, क्योंकि स्ट्रॉबेरी जो है सारी की सारी बेकरी में चाहिए होगी ब्रेड वगैरह बनाने के लिए। तो बेकरी में ब्रेड बनती है और केक बनती है और दोनों में स्ट्रॉबेरी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए स्ट्रॉबेरी मैंने सारी यहाँ पर स्टोर कर ली है। तो ये रही अपनी स्ट्रॉबेरी यहाँ पर काफ़ी सारी स्ट्रॉबेरी है। तो जितने भी ग्रीन हाउस है सब मैंने स्टोरिंग में लगाया हुआ है और ये सारी सारी स्ट्रॉबेरी मैं बेकरी में पहुँचाने वाला हूँ। बाकी इन स्ट्रॉबेरीज को उठा के लोड करने के लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए होंगी, मुझे एक तो ट्रेलर चाहिए होगा, वैसे तो मैं गाड़ी में पीछे लोड के ले जा सकता हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ कि प्रॉपर ट्रेलर ले लूँ, क्योंकि यहाँ से उठा के बार बार मुझे इन्हें बेकरी में लेके जाना है। और एक प्रॉपर फॉर्कलिफ्ट वाला जो मशीन आती है वो ले लेते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर में मैंने आगे फॉर्कलिफ्ट लगा तो रखी है, बट वो ट्रैक्टर थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, वो मशीन थोड़ी छोटी होती है, तो उसे ही परचेस कर लेते हैं, परचेस का मतलब लीज पे ले लेते हैं। तो ये फॉर्कलिफ्ट वाली, और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं आती, सस्ती ही आती है, तो इसकी लोडिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, इस वाली को देख लेते हैं। तो ये वाली है, इसको लीज पे ले लेते हैं और ये उठा के जो है लोड करने के लिए काफ़ी आसान रहेगा। इससे मैं एग्स वगैरह, हनी या फिर कोई भी मतलब पैलेट वाला चीज़ है उसको उठा के जो है लोड कर सकता हूँ कंटेनर के अंदर। तो ये लीज पे कोस्ट कर रही है 2805 यूरोस, तो इसको परचेज कर लेते हैं। और बाकी मुझे एक ट्रेलर चाहिए प्रॉपर वाला, जिसमें मैं सारा सामान लोड करके ले जा सकूँ। तो ये वाला ट्रेलर है, इसमें जो है दूसरे व्हीकल्स ही मैं पीछे लोड करके ला सकता हूँ, और बाकी इसमें शायद मैं जो है स्ट्रॉबेरी वगैरह के पैलेट्स वगैरह भी लोड करके ले जा सकता हूँ। तो इसको एक बार लीज पे लेके ट्राई कर लेते हैं। बाकी इसके अलावा ट्रैक्टर तो अपने पास काफ़ी सारे हैं ही, और बाकी एक बड़ा ट्रैक्टर परचेज करना है, तो एक बड़ा ट्रैक्टर देख लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो। और वो बड़ा ट्रैक्टर मैं परचेज करने वाला हूँ अपने वाटर टैंकर के लिए, क्योंकि वाटर टैंकर में जो ट्रक लगा हुआ है काफ़ी ज़्यादा छोटा है, मतलब इतना पावरफुल नहीं है, तो उसके लिए मैं एक बड़ा ट्रैक्टर परचेज करने की सोच रहा हूँ। और उसके लिए मुझे बीच में जो है ये डोली परचेज करनी पड़ेगी, तो इस वाली डोली को लगाने के बाद जो बड़े वाला ट्रक का जो पीछे वाटर टैंकर लगा हुआ है उसको मैं ट्रैक्टर से अटैच कर सकता हूँ। तो इसको तो लीज पे ले ही लेते हैं, क्योंकि बड़ा ट्रैक्टर मैं परचेस करने वाला ही हूँ। और अभी जो सबसे बड़ा ट्रैक्टर मेरे को दिख रहा है, तो इसकी मैक्सिमम पावर है 665 हॉर्स पावर और 19.1 टन का ये वेट कैरी कर सकता है। ये 692 है, ये 670 है और ये 682 है। अभी इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल तो यही वाला लग रहा है केस टू का, ये 692 हॉर्स पावर का है। तो इसी को देख लेते हैं, एक बार लीज पे ले लेते हैं, पसंद नहीं आएगा तो बाद में वापस करके दूसरा ले लेंगे। और बाकी इसमें इंजन सेटअप भी चेंज कर सकते हैं, तो इंजन सेटअप पे ये तो भी ये ठीक है। इसमें इंजन ऑप्शन में सबसे जो है बड़े वाला इंजन है वो ले लिया है, टायर्स इसके ट्विन नहीं रहती हैं, उसमें GPS मैंने एडिशनल लगवा लिया है। तो ये पहला ट्रैक्टर है जिसमें अपने GPS होगा, इसको लीज पे लेते हैं और देखते हैं। अब बाकी सारा सामान तो ले ही लिया है, एक बार इनको चलता हूँ लेने वहाँ पे। तो ये अपना बड़े वाला ट्रैक्टर, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मतलब थोड़ा बहुत भी नहीं, उस ट्रक से तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और बाकी और ट्रैक्टर से भी काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा है। और ये इसके अटैचमेंट है जिसके थ्रू ये बड़े वाले वाटर टैंकर से कनेक्ट हो सकता है, और ये व्हीकल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अपना जो है ट्रेलर है। बाकी इसमें ट्राई करना है कि इसमें स्ट्रॉबेरी वगैरह ट्रांसपोर्ट हो सकती है या नहीं हो सकती। और बाकी ये अपना छोटे वाली जो है मशीन है, मतलब फॉक लिफ्ट है, और ये तो काफ़ी ज़्यादा छोटी है, उसमें पीछे अटैचमेंट की ऑप्शन है वैसे लग तो रहा है। तो ये वाला ट्रेलर शायद इससे अटैच हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ट्राई करते हैं एक बार। और ये इलेक्ट्रिक है यार, हाँ ये इलेक्ट्रिक है, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो इसका भी ठीक है, अपने पास चार्जिंग स्टेशन तो है ही, और ये काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है, और ये इससे अटैच तो नहीं हो सकती, ठीक है इसको ऐसे ही लेके चलना पड़ेगा। और वैसे भी ट्रैक्टर ले आऊँगा, इसको बाद में लेके चले जाएंगे साथ में, तो ये इस पे ट्रेलर पे तो लोड हो ही जाएगी। बाकी इस वाले ट्रैक्टर को ले चलते हैं, और उसका साइज़ तो बहुत ज़्यादा मैसिव है, कुछ ज़्यादा ही मैसिव है। उसमें GPS देखते हैं, बट GPS था ना इसके अंदर, तो इसके अंदर GPS कहाँ पे है, ये GPS का है, हाँ तो ये GPS है सामने शायद ना। बाकी इसको यूज़ कैसे करना है वो भी देखना पड़ेगा। तो ये इसमें पीछे डोली लगी हुई है, और इसको बस अब जाके वाटर टैंकर से अटैच कर देना है। और ये तो सबसे पावरफुल है, तो इस पर तो कोई लोड नहीं पड़ने वाला उस वाटर टैंकर के फुल होने के बाद भी। और बाकी इससे मैं एक और काम भी कर सकता हूँ, इससे मैं अपना स्लरी वाला टैंकर भी अटैच करके दे सकता हूँ, क्योंकि वो भी सबसे हैवी वाला है। और तो इसको एक बार अटैच करके देख लेंगे, ये तो उसको इजीली पुल कर ही लेगा। और अब भी अपना ट्रक कहाँ पे खड़ा हुआ है, एक बार काम करता हूँ मैं, पहले इसको यहाँ ही छोड़ता हूँ, ट्रक को यहाँ ही ले आता हूँ, क्योंकि अभी ट्रक को हटाने में और यहाँ पे जो है इसमें अटैच करने में काफ़ी ज़्यादा जगह लगेगी,
अभी ट्रक वहाँ पे अपना खड़ा हुआ है सामने, क्योंकि वही रास्ता है अपने ग्रीन हाउस के पास जाने का यहाँ से, क्योंकि यहाँ से मैंने ये रास्ता बना रखा है तो ये यहाँ से ग्रीन हाउसेस के पास पहुँच जाता है। तो अभी इसको लेके चलते हैं वहाँ पे और फिर इसको हटाता हूँ और उसको अटैच करता हूँ। यहीं पे छोड़ दे, यहाँ पे ठीक है। तो इसको डिटैच कर दिया इससे और बाकी ट्रक को थोड़ा सा आगे ले आके पार्क करता हूँ ताकि जगह मिल जाए यहाँ पे ट्रैक्टर को लाने के लिए। अब ठीक है, अब ट्रैक्टर को लेके आते हैं इधर। तो बस इसको यहाँ पीछे ले आना है। ओके, तो हो गया अटैच यहाँ पे और अब इसको थोड़ा सा पुल करके देखते हैं। तो अभी तो वैसे पीछे वाटर टैंकर में पानी भी नहीं है तो इतना वेट भी नहीं है, तो इसके लिए तो कुछ लग ही नहीं था कि पीछे कुछ अटैच हुआ है, इतना ईजी चल रहा है ये तो। और पानी के लिए अभी एक काम करते हैं, एक बार लेके चलते हैं इसको वहाँ पर, पानी लेके आते हैं। और पानी वैसे मैं यहाँ से ही भर के देख लेता हूँ, यहाँ से भी भर ही सकता है पानी। तो यहाँ पे तो मेरे को जगह दिख नहीं रही कि टैंकर को नीचे उतार सकूँ, क्योंकि यहाँ पे ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और ये मुड़ेगा नहीं। आगे देख लेते हैं यहाँ पे ट्राई करके, यहाँ पे शायद कोई जगह मिल जाए। तो यहाँ से ट्राई करते हैं, यहाँ से जगह होनी चाहिए बस ट्रैक्टर को मुड़ने के लिए। हाँ, थोड़ी जगह मेरे को लग रही है यहाँ पे है। ज़्यादा अंदर चला गया, ज़्यादा अंदर चला गया पानी के तो रुकोर को, तो थोड़ा सा यहीं से मोड़ लेता हूँ उसको ऊपर की साइड। हाँ, तो अब टैंकर भरने लग गया, अब बस देखते हैं यहाँ से निकाल पाता है नहीं निकाल पाता इसको। वैसे तो निकाल लेना चाहिए, एक बार टैंकर को पूरा फुल भरने देते हैं फिर देखते हैं। तो अब टैंकर हो गया फुल और अब इसको निकालते हैं, बट थोड़ा निकालने के लिए इसकी जगह बनानी पड़ेगी। तो इसको लेफ्ट से लेना पड़ेगा यहाँ से और अभी एक बार रिवर्स लेना पड़ेगा। और वैसे तो लग रहा है निकाल लेगा ये, क्योंकि इस पर कोई इतना लोड पड़ नहीं रहा है इसको लेके। बाकी थोड़ा सा मुड़ने की जगह चाहिए इसको ज़्यादा, क्योंकि इसके डबल टायर हैं। ईजिली मुड़ गया, ईजिली निकल गया यहाँ से। तो ये इसने अल्टीमेटली निकाल लिया है विदाउट किसी लोड के और बिल्कुल ईजिली निकाल लिया है। तो अब मतलब पानी का तो प्रॉपर सॉल्यूशन हो गया कि अब पानी में रिवर्स से ही ले सकता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने काफ़ी सारी अटैचमेंट ट्राई करी बट पानी का बार बार फंसने का डर रहता था। जब मैं पानी लेने जाता था टैंकर से या फिर छोटे वाले टैंकर से भी, तो उसका बार बार ये होता कि फंस ही जाता था। बट ये वाला ट्रैक्टर इतना पावरफुल है कि इससे बिल्कुल नहीं फंस रहा और इससे अब पानी का अपना फ्री का सॉल्यूशन हो गया है। तो अब पानी फ्री में ला सकते हैं, बाकी इसको यहीं छोड़ देते हैं। और अभी क्योंकि पानी तो है अपने ग्रीन हाउस में, पानी बाद में ही देना है। तो एक काम करते हैं, पहले जो अपना फोकलिफ्ट लिया उसको जाके लेके आते हैं। उसको लेके आने के लिए एक ट्रैक्टर चाहिए होगा, तो ये वाले चलते हैं, सामने खड़ा है यहाँ पे। बाकी ये रास्ता भी यहाँ पे थोड़ा सा इसमें रास्ते में ऊंचा नीचा हो रखा है, इसको भी सीधा करना है। मैंने काफ़ी इसको किया भी है बट अभी शायद थोड़ा टाइम और लगेगा। तो ये थोड़ी देर बाद मिट्टी शायद थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, उसके बाद ये नीचे हो जाएगी अपने आप ही। और ये यहाँ पे टमाटो वगैरह भी रखे हुए हैं, ये मुझे उठा के सेल करके आने हैं, तो इनको भी देखेंगे। और यहाँ पे भी जो है काफ़ी ज़्यादा ऊंचा नीचा है, ये काफ़ी हद तक ठीक किया गया है। पर यहाँ क्या है कि यहाँ पहले खेत था, तो खेत के से काफ़ी ज़्यादा ऊंचा नीचा हो गया था। और अभी एक बार शॉप पे चल के पहले वो ट्रेलर और अपनी फॉकलिफ्ट को उठा के ले आते हैं। तो पहले तो मैं ट्रेलर को अटैच कर लूँ ट्रैक्टर से। चलो, ये तो अटैच हो गया। और बाकी फॉकलिफ्ट यहाँ पर है, तो अभी इसको एक बार टेस्ट भी कर ही लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से अपने ये वाले जो चिकन फीड के पैलेट्स हैं यहाँ पर पड़े हुए हैं, इसको उठा के रख के देखते हैं एक बार पीछे। ठीक है, तो सॉरी, ट्रेलर पे भी जो है सामान भी आ जाता है, तो इससे मैं स्ट्रॉबेरी वगैरह इजीली ट्रांसपोर्ट कर पाऊंगा। तो उसको पीछे से अनफोल्ड कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अब मैं इस पर फॉकलिफ्ट को लोड कर लेता हूँ। इस पे तो आराम से आ जाएगी, इतनी जगह तो है इसको लोड करने लायक। अब फिर इसको बंद कर लेते हैं और ये फॉकलिफ्ट में ये आगे अटका हुआ तो है ही, इसको ऐसे कैसे ले जाएंगे। तो ठीक है, अपने दो काम हो जाएंगे, अपना एक फूड का बैग भी काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था यहाँ पे, ये भी साथ का चला जाएगा। तो बाकी इस फॉकलिफ्ट से काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि अभी सामान काफ़ी सारा मुझे उठा के बार बार लोड करना पड़ेगा। स्ट्रॉबेरी हो गई, टमाटो हो गए, एग्स हो गए, हनी हो गए, सबके सब उठा के बेकरी में पहुंचाने हैं, कुछ और सामान उठा के डेयरी में पहुंचाना है और कुछ सामान उठा के सुपरमार्केट में पहुंचाना है। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो है फॉकलिफ्ट होनी, इसलिए फॉकलिफ्ट परचेज़ करनी ही थी, क्योंकि पहले मैंने ट्रैक्टर में आके फॉकलिफ्ट अटैचमेंट लगा रखी थी बट वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था,
तो वो हर जगह इजीली नहीं पहुंच पाता था और सामान को उठा पाता था। बाकी अब फोकलिफ्ट से इजीली सामान उठ जाएगा, तो अभी फोकलिफ्ट को पीछे लेके चलते हैं अपने ग्रीन हाउस के पास से, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रॉबेरी है उनको ट्रांसपोर्ट करना है, बट अभी थोड़ी सी और इकट्ठी हो जाएंगे फिर इकट्ठा एक साथ ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो अभी इससे ना एक बार एक स्ट्रॉबेरी का पूरा पैलेट उठा के देख लेते हैं कि कितना ईजी है इससे। तो इससे बस ये रहा स्ट्रॉबेरी का पैलेट, और इसको उठाते हैं। तो इजीली उठा लिया इसने, ऐसा कोई इशू नहीं है, तो ठीक है इसको, ये तो अपने सही काम में आने वाली है, तो ये तो ठीक है। और बाकी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे होर्स बार्न अपना यहाँ पे है, चिकन कूप यहाँ पे है, तो यहाँ पे साथ में एक बड़े वाला काउ बार्न बना लेते हैं। वो काउ बार्न 7.5 लाख यूरो का आने वाला है, और वो काउ बार्न काफ़ी ज़्यादा बड़े होने वाला है, तो मैं जो अपना पहले वाला काउ बार्न है उसको सेल कर दूंगा और यहाँ पे एक बड़ा वाला काउ बार्न लगा लूँगा। तो उससे क्या है, काफ़ी सारी काउ एक जगह रह सकती हैं और काफ़ी सारा मिल्क प्रोड्यूस हो सकता है, क्योंकि डेयरी भी जो है प्रॉपर तरीके से चल रही है और उसमें काफ़ी सारी मिल्क की रिक्वायरमेंट पड़ती है बटर और चीज़ वगैरह बनाने के लिए। तो बाकी अभी ये वाला खेत तो परचेस कर ही लिया, इसमें कुछ क्रॉप्स वगैरह लगाते हैं और बाकी जो अपना सामान वगैरह सेल हो रहा है, तो जैसे 7.5 लाख यूरो हो जाएंगे मैं यहाँ पर नया वाला काउ बार्न बना लूँगा। और बाकी आज के लिए फिर इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।